Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to reset all phone settings. इस डिवाइस में केवल सिस्टम सेटिंग्स को रिसेट करना है तो कैसे करेंगे? अगर आपके द्वारा कोई सेटिंग्स चेंज हो गया है तो उसे रिसेट करके डिफॉल्ट मोड में लेके आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट एप्स पे क्लिक करना है, इसके बाद मैनेज एप्स। मैनेज ऐप्स खोलते ही आपके सामने सभी इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन का लिस्ट चला आएगा। अब ऊपर में 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करके अदर सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद डिफॉल्ट ऐप। दोस्तों आपके फ़ोन में जितने सारे डिफॉल्ट ऐप सेटिंग्स था, अगर कुछ गलती से चेंज हो गया है तो रिसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करके सबको डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट कर सकते हैं। इसके बाद बैक आइए। नेक्स्ट सर्च ऐप्स पे क्लिक करके फाइंड करना है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करिए। सिस्टम सेटिंग्स का ऑल डेटा क्लियर करने से केवल फोन सेटिंग्स रिसेट हो जाएगा, मगर हमारे फोन से कोई भी डेटा फॉर्मेट नहीं होगा। आप क्लियर डेटा पे टैप करके सेटिंग्स का ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। इसके बाद सभी फोन सेटिंग्स डिफॉल्ट सेटिंग्स पर सेट हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रोसेस को अप्लाई करने से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सेकेंड स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में दोबारा फोन सेटिंग्स ओपन करके सर्च करना है फैक्ट्री, फिर आपके सामने फैक्ट्री रिसेट करने का एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस पे टैप करेंगे। फैक्ट्री रिसेट के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फैक्ट्री रिसेट करने से आपके फोन में जितने सारे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो, एप्स एटसेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपकी फोन डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट हो जाएंगे। फोन का डब्बा खोलने से पहले जैसा था ठीक ऐसे ही हो जाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। और हो सके तो सभी इंपॉर्टेंट फाइल बैकअप लेके दूसरा फोन में ट्रांसफर कर लीजिए। अब इरेज़ ऑल डेटा पे क्लिक करिए। फोन फॉर्मेट करने से पहले लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करना होता है। नेक्स्ट फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपका फ़ोन फॉर्मेट होने जा रहा है या 10 सेकंड का टाइमर खत्म होते ही नेक्स्ट दबाना है। आपसे दोबारा पूछेगा क्या आपने सभी डेटा का बैकअप लिया है, इसके बाद 10 सेकंड का टाइमर खत्म होते ही ओके कर देना, फिर आपका डिवाइस पूरा फॉर्मेट होके नया जैसा बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन और फोन सेटिंग्स को डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।